हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोहन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गूगल। तो गूगल कितना बड़ा है, इसके अंदर कितनी सारी चीजें, इसका अनुमान लगाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि गूगल के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि गूगल के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। हम जैसे काफी लोग तो इसको सिर्फ कुछ कीवर्ड सर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ओनली। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप गूगल के अंदर टाइप करके आप जान सकते हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपका भी जानना जरूरी है और मेरे लिए भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इस पूरे वीडियो को और जानिए ये सारी टिप्स। तो दोस्तों, जैसा कि गूगल का इस्तेमाल आप भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको भी टेक और टेक्निक की पता नहीं होती है और हमें भी पता नहीं होती है। काफी लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन गूगल इतनी बड़ी चीज है कि काफी चीजों को बहुत ही सरलता से आपको दे देता है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों, कुछ डिजिट ऐसे होते हैं, कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो अपन को कैलकुलेटर या इसके माध्यम से करने पड़ते हैं, या इकाई ताही सैकड़ा हजार दस हजार लाख इससे गिनने होते हैं, लेकिन गूगल आपको एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर आपको दे देता है। तो जैसा कि मैंने आपको लिखा कि इसमें आप देख रहे होंगे कि ये संख्या है तो आप इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार करके लिखनी होती, लेकिन इसमें आपने कोई भी डिजिट लिखने के बाद में आपको इक्वल टू करके इंग्लिश लिखना होगा। जैसे ही आप इंग्लिश लिखेंगे तो वो संख्या है गूगल अपने आप ही परिवर्तित करके दे देगा। जैसे कि ये 12,346 है, तो इसको जैसे ही इंग्लिश लिखा तो इसने अपने आप कर दिया। अब जैसे 1234 लिखा मैंने तो 1234 अपने आप ही लिख दिया। तो आपको बहुत इजी हो जाता है, उसके अंदर आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही डिफरेंट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या को गूगल से बिना किसी कैलकुलेटर या किसी नाउंस का इस्तेमाल किए इसको आप इजी कर एक ही झटके में जान सकते हैं दोस्तों। तो है ना, बिल्कुल अलग ट्रिक ये गूगल की। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे ट्रिक्स। तो दोस्तों, कई लोगों को मूवी देखने का बहुत शौक होता है और वो लोग मूवी गूगल पे फाइंड तो करते हैं लेकिन उनको वो मूवी मिल नहीं पाती है। या फिर जैसे दोस्तों, आप इस पर मिरर इस पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे वो कुछ मूवी का अपना नाम लिखते हैं और फिर ओपन करते हैं तो इस टाइप के कुछ न कुछ स्पम लिंक देखने को मिलते रहते हैं। उस लिंक को आप क्लिक करते हैं तो आगे से आगे कुछ न कुछ स्पम लिंक बढ़ते रहते हैं लेकिन आपको मूवी दिखती नहीं है या डाउनलोड नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको गूगल से कोई मूवी लिखनी हो या लेनी हो तो आपको सीधा गूगल में जाना होगा, गूगल में जाकर के किसी मूवी का नाम लिखना होगा। जैसा कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि जैसे मुझे दबंग मूवी देखनी है तो दबंग आपको मूवी लिखना होगा गूगल के अंदर जाकर के। दबंग मूवी लिख करके उसके बाद में आपको लिखना होगा गूगल ड्राइव। तो जैसे ही आप दबंग मूवी गूगल ड्राइव लिखेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, अब जो ये इंटरफेस आ रहा है, ये सारे जो है मूवी के इंटरफेस वो है जिसके अंदर ड्राइव है। अगर किसी ने मूवी अपलोड की होगी को तो वो ड्राइव में गई होगी तो डेफिनेटली आपको अब वही लिंक खुलेंगे जो आपको मूवी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको गूगल से मूवी देखनी है तो आपको दबंग या कोई भी मूवी का नाम लिख के उसके आगे गूगल ड्राइव जरूर लिखें, जिससे कि आपको वो परफेक्टली मूवी देखने को मिल जाए और आपको आगे से आगे कोई स्पम लिंक देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, तीसरी ट्रिक के बारे में, तो तीसरी ट्रिक यह है कि दोस्तों, कई लोग अभ्यास करते हैं किसी चीज को ग्लास के अंदर, मिरर के अंदर देखने के लिए कि क्या कोई वर्ड गूगल का या कोई भी वर्ड है वो मिरर के टाइप में कैसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको गूगल में जाना होगा और आपको गूगल में जाकर के गूगल मिरर वर्ड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आप गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद में आपको गूगल मिरर लिखना होगा। जैसे ही आप गूगल मिरर लिखेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जैसा कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ गूगल मिरर। जैसे ही आप गूगल मिरर लिख के गूगल मिरर पे टाइप करोगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपको ओपन होगा उस पर आप जाकर के क्लिक कर दीजिए। वो करने के बाद में वैसा का वैसा आपको गूगल ओपन हो जाएगा। अब इस गूगल पे आप कोई भी वर्ड टाइप कीजिए, जैसा कि मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ गूगल ही लिखूंगा। कोई भी वर्ड जैसे लिख दिया, गूगल लिख दिया, कुछ भी लिखोगे तो अब आपको इसके अंदर वो सारी चीजें एक मिरर के रूप में दिखाई देने को मिलेगी। जैसा कि मैं लिख रहा हूं इसके अंदर कि टेक्निकल जोहन, जैसे ये वर्ड लिखा तो आप देख रहे होंगे कि ये आपको गूगल टाइप में दिखाई देगा। जैसा कि अभी तक
गूगल ने परिवर्तित किया नहीं, अब आप देखोगे तो ये चीज आपको गूगल दिख रहा होगा, आपको गूगल बिल्कुल एक मिरर की आकृति के रूप में दिख रहा होगा। तो अब कोई भी आप, जैसे मैंने गूगल ही लिख दिया यहाँ पर, तो ये चीज आपको एज ए गूगल टाइप में देखो आप, ये पूरा इंटरफेस आप, इसको मैं बड़े तौर पे आपको दिखा देता हूँ, तो ये सारी चीजें हैं वो आपको एज ए मिरर के रूप में दिख गई है। तो आप मिरर का अभ्यास भी इसमें कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों चौथी ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों आपने अपने मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह के थीम्स लगाई होगी या कुछ ऐसे थीम्स यूज करते हैं जिसके अंदर कुछ वाटर, पानी या फूल उभरते हुए नजर आते हैं, या कोई भी आप कीवर्ड चलाते हो तो उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी कलाकृति आती है जिससे के अंदर के फूल आ रहे हो या पानी के अंदर कोई तैर रहा हो। तो ये चीज अपन अलग से थीम लगाते हैं, लेकिन गूगल में ये चीज है, जैसे ही आप गूगल में जाकर के गूगल अंडर वाटर लिख करके ओपन करेंगे, जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा दोस्तों उसको जैसे ही आप ओके करोगे, जैसे कि गूगल अंडर वाटर मैंने लिखा, फर्स्ट लिंक को ओपन किया, अब देखोगे भी अब गूगल के अंदर आप कोई भी चीज टाइप करोगे ना तो वो पानी के अंदर आपको तैरती हुई नजर आएगी। अब देखिए दोस्तों कैसे वो तैरती हुई नजर आती है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये गूगल है, अब देखिए गूगल आपको पानी के अंदर तैरने लग गया। अब इसके अंदर मैंने गया और मैंने टाइप किया इसी के अंदर ही टेक्निकल जोहन या कुछ भी टाइप किया मैंने, जैसे कि टी सी टी एच कुछ भी वर्ड मैंने टाइप करके इसको मैंने जैसे ही ओके करूंगा दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे इसको मैंने सर्च किया है। जैसे ही मैंने ये सर्च किया है तो ये चीज आपको पानी के अंदर तैरती हुई नजर आ रही है। देखोगे आप ये है, ये देखिए आप, ये गूगल है, आपको पानी के अंदर कुछ मछलियां हैं, फिशेज है जो आपको पानी के अंदर तैरती हुई नजर आएगी। तो ये बिल्कुल ये डिसेंट सा गूगल का ऐप है या गूगल की कला है, गूगल बताता है, जिसके अंदर अपन किसी थीम को डाउनलोड नहीं करके डायरेक्टली अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्त। अब बता दूं दोस्तों पांचवी ट्रिप के बारे में। तो पांचवी टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं दोस्तों, जैसे कि आपको कोई संख्या या किसी जोड़ बाकी गुना भाग को करना होता है तो आपको सबसे पहले कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना होता है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप उस चीज को जोड़ते हैं, लेकिन गूगल अपने आप में ही एक कैलकुलेटर है। जैसे दोस्तों मैंने लिखा 4527 प्लस मैंने इसमें 45 प्लस ऐड कर दिए, तो गूगल ने अपने आप इसको इक्वल टू काउंट करने के बाद में देखोगे आपकी उस दोनों संख्या है उसको इन्होंने काउंट कर लिया है, जिससे कि आपको कोई किसी तरह का कैलकुलेटर का यूज करना नहीं पड़ता। सिक्स्थ ट्रिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके अंदर अगर आपका मोबाइल फोन घर के अंदर कहीं किसी जगह पर रख दिया है या फिर आपका मोबाइल अगर कहीं गुम हो गया है तो उस मोबाइल को आपको पता कैसे करना है कि कहाँ पे पड़ा है, तो उसके लिए आपको जाना होगा फोन के अंदर, जाना फोन गूगल में जाइए और गूगल में जाकर के आपको लिखना होगा फोन ऑफ हो गया है जैसे या कुछ भी हुआ है, तो फाइंड लोकेशन करना होगा आपको। तो मैं जाकर के लिख रहा हूं उसके अंदर फाइंड डिवाइस, जैसे मैंने गूगल के अंदर गया और फाइंड डिवाइस लिखा। अब फाइंड डिवाइस लिखने के बाद में आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट फाइंड माई डिवाइस गूगल आया है दोस्तों, तो ये गूगल का एक ऐप है। अब इसमें जाओगे, जैसे ही आप गए इसके अंदर आपका, जैसे कि ये मेरा मोबाइल है सैमसंग का A5 मोबाइल है, तो ये आ गया देखिए सैमसंग गैलेक्सी A5। अब इसको आप ओके करने के बाद में आप कोई भी कहीं भी पड़ा हुआ है तो आपको, जैसे इसमें आपको कोई ध्वनि से खेलना है कि कहाँ पड़ा है तो यहीं से आप उसकी रिंग बजा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से, इस पर आपने क्लिक किया, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है उसकी वजह से आप नहीं सुन पा रहे, वरना ये जैसे ही जाकर के इस पर क्लिक किया तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो कहीं अगर आपका मोबाइल पड़ा है किसी जगह पर, ऐसी जगह पर जो आपने रख दिया हो लेकिन याद नहीं है, तो आपको रिंग बजा करके उसको वापस ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी गूगल की एक टिक्स है। तो दोस्तों सातवीं और आखिरी टिप्स है वो है कि कई लोग जानते भी है इस टिप्स को, लेकिन कुछ लोग जो इंग्लिश को इतना नहीं जानते हैं, उनको वर्ड ट्रांसलेटर का पता नहीं होता है, तो दोस्तों उनको अपने फ़ोन के अंदर जाकर के वर्ड ट्रांसलेटर लिखना होगा। जैसे ही आप वर्ड ट्रांसलेटर लिखेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। तो इस टाइप के इंटरफेस में जाकर के आप कोई भी वर्ड लिखेंगे ना, जैसे कि आई एम गोइंग, तो उसका सीधा हिंदी रूपांतरण करके ये गूगल अपने आप दे देगा, जो दो ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अलावा कोई भी आप इंग्लिश का वर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे दोस्तों, तो नीचे हिंदी के अंदर वो आपको रूपांतरित करके दे देगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश कमजोर है तो उसमें धीरे धीरे आप अभ्यास करके हिंदी इंग्लिश को
आप अच्छी बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ट्रिक्स है सारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ अगर अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई कीजिएगा। एक बार आप ट्राई करेंगे तो ये आपको फिर से अच्छी लगेगी, और आगे भी इसको, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको आगे शेयर कीजिए, जिससे कि जिन लोगों को पता नहीं हो कि ये टिप्स है, या किसी इंग्लिश वर्ड या जैसे कि आप देखोगे कि नाउंस है उनको डायरेक्टली कैसे समझा जाता है, तो वो भी इस चीज़ को समझ सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।